वैश्विक महामारी से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने पहले 21 दिन और अब 19 दिन के लॉकडाउन का आदेश दिया है। सभी नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा ना लांघें और अनुशासित सिपाही की तरह सारे नियमों का पालन करें। सामूहिक स्तर पर किए जाने वाले परिश्रम से कोरोना महामारी जैसे महायुद्ध भी जीते जा सकते हैं। सामाजिक दूरी तथा लॉकडाउन से इसकी तीव्रता को घटाया जा सकता है और बचाव संभव है। मानवता की सेवा हेतु सदैव तत्पर तथा सर्वधर्म संगमों द्वारा सभी सांप्रदायों के अनुयायियों को एक दूसरे के निकट लाने में समरीय भूमिका निभाने वाले जैन संत उपप्रवर्तक पीयूष मुनि महाराज ने जनता के नाम अपने आह्वान में कहा कि भीषण प्राकृतिक आपदाओं प्रतिकूल हालातों का मुकाबला धैर्य शांति संयम तथा आत्म अनुशासन से ही संभव है। भारत की धर्म भूमि पर जन्म सभी भारतवासियों के सौभाग्य का सूचक है क्योंकि यहाँ जन्म से ही उत्तम संस्कार तथा विचार मिलते हैं और परोपकार की प्रेरणा यहाँ की माटी की कनकन देता है। मुनि ने जोर देकर कहा कि प्रकृति से खिलवाड़ प्रकृति नियमों का उल्लंघन तामसिक सवाद वृत्ति के कारण निर्दोष तथा निर्वीह पशु पक्षियों के प्रति अमानवीय व्यवहार और उनके प्राण छीनने की बुराई सारी गड़बड़ के लिए उत्तरदायी है। मांस के लिए जीव आत्माओं के वध का पाप सारी मानव जाति को दंडित करने की शक्ति रखता है। यह कोरोना की उत्पत्ति से ज्ञात हो गया है। कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वप्रथम 21 दिन और तदनंतर आज 19 दिन के लिए लॉकडाउन का आदेश दिया है। सभी नागरिक अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा न लांघें और अनुशासित सिपाही की तरह इसके प्रावधानों का पालन करें। सामूहिक संकल्प शक्ति अनूठे चमत्कार दिखा सकती है। सामूहिक स्तर पर किए जाने वाले परिश्रम से नामुमकिन भी मुमकिन, असंभव भी संभव है। अन्य महाशक्तियों की तुलना में भारत अपने यहाँ संक्रमण रोकने में काफी हद तक सफल रहा है। समय रहते चेतने वाला बुद्धिमान है। समस्या बढ़ने का इंतजार करने की जगह समस्या का आरंभ दिखते ही उसे रोकने का भरसक प्रयास करना चाहिए। अन्य विकसित देशों के सामने भारत आज संभली हुई स्थिति में है। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का केंद्र सरकार का फैसला देश के लिए समुचित है। हालांकि लॉकडाउन चक्का जाम की बहुत बड़ी आर्थिक कीमत देश को चुकानी पड़ रही है, परंतु देशवासियों के अमूल्य जीवन के सामने यह कीमत भी बहुत अधिक नहीं है। सतर्कता हटी दुर्घटना घटी के अनुसार कोई भी नागरिक अपनी ओर से कोई भी कोताही ना बरते सीमित संसाधन लिमिटेड रिसोर्सेज होते हुए भी देश में मानव कल्याण हित अकल्पनीय कार्य किया जा रहा है। आपदा के समय में सामर्थ्यवान को असमर्थ की मदद हेतु आगे आना चाहिए। जब आप दूसरों को देने के लिए अपनी जेब खोलते हैं तो ऊपर वाला आपको देने के लिए अपना दिल खोलता है। नेक दिल इंसान परोपकार करते हुए अपने धन से सैकड़ों का भला कर सकता है, परंतु बुरा आदमी कभी किसी का भला नहीं कर सकता। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व निभाते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपना फर्ज पूरा करे तथा आसपास एवं दूर दराज के परिवेश को बेहतर बनाने में अपना यथासंभव योगदान देवे। यूरोप का एक सुप्रसिद्ध रेस्तरां एक विलक्षण अनूठी व्यवस्था के लिए विख्यात है। वहाँ एक आगंतुक एक कप कॉफी, चाय, पिज्जा या बर्गर अपने लिए तथा एक गुमनाम एनोनिमस के लिए ऑर्डर करता है, एक खाद्य या पेय पदार्थ वह स्वयं लेता है और दूसरे का स्टिकर रेस्तरां के बाहर चिपका देता है। इस प्रकार वह दूसरे अनजान व्यक्ति के लिए सहयोग करता है। ऐसी सोच रखने वाला धन्य है जो अपना नाम प्रकट किए बिना, पब्लिश किए बिना दूसरे को अपने समान समझकर कुछ देता है। समर्थ रखने वाले को अपनी शक्ति ताकत के अनुसार कुछ ना कुछ दूसरे जरूरतमंद को जरूर देना चाहिए। इस तरह दिया एक रुपया ढिंढोरा मचाकर दिए 1 लाख रुपए से भी ज्यादा उत्तम और श्रेष्ठ है। अपने पास विपुल धन संपत्ति, सैकड़ों एकड़ भूमि होते हुए भी किसी मुसीबत जदा को थोड़ा सा सहयोग ना देने वाले की जमीन जायदाद
बैंक अकाउंट्स में जमा करोड़ों की राशि बिल्कुल व्यर्थ, यूजलेस और बेमानी है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उन लोगों के लिए भी निकालिए जो आपकी तरह पुण्यशाली और भाग्यवान नहीं है। हाथ पसार कर मांगिए मत, देने के लिए हाथ आगे बढ़ाइए। किसी भी धर्म स्थान में मांगने वाले भिखारी बनकर मत जाइए। देने वाले को अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, दाता की चिंता परमात्मा स्वयं करते हैं। आप अपने लाभ या टर्नओवर का कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंश दूसरों के लिए अवश्य रखें। अपने परिवार, रिश्तेदारों, समाज के लोगों का भला करने से शुरुआत करने में शुरुआत करके समूचे देश और अंत में मानव मात्र की भलाई में जुटिए। आपको जो सुकून मिलेगा, आत्म संतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी, वह व्यक्तिगत सुखोपभोग से कहीं ज्यादा उत्तम, बेमिसाल और लासानी होगी। प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने संबोधन में वर्णित सप्तपदी कोरोना महामारी पर विजय का राजपथ है। दिया हुआ धन ही सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ है। सबको अपनी शक्ति के अनुसार देना ही चाहिए। यदि हथेली में दिया ना हो तो रात के अंधेरे में घर में पड़ी हुई वस्तुएं भी दिखाई नहीं देती। यह सुवचन दिए जाने की वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन में उपयोगिता प्रकट करता है। जो डर आपके और अधिकांश लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया है, उससे बचना बहुत मुश्किल है। इस महामारी की अपेक्षा मेरा मानना है कि डर से कहीं ज्यादा लोग मरेंगे। भय से अधिक भयावह इस दुनिया में दूसरा कोई भी वायरस नहीं है। डर को अपने पर बिल्कुल भी हावी मत होने दीजिए, अन्यथा आप जिंदा लाश बन जाएंगे। जो भयावह माहौल आज चारों तरफ बना हुआ है, इसका वायरस से ज्यादा लेना देना नहीं है। यह एक सामूहिक पागलपन जैसा है जो एक अंतराल के बाद हमेशा घटता रहता है। कारण रीजंस बदलते रहते हैं। कभी राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, सुपर पावर बनने की हसरत, कभी दो जातियों की लड़ाई, कभी बायोलॉजिकल वेपन, जैविक हथियारों की टेस्टिंग, कभी प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा जमाने, अधिकार करने की भावना, इस तरह का सामूहिक पागलपन एक अंतराल के बाद समय समय पर प्रकट होता रहता है। व्यक्तिगत पागलपन की तरह कौमगत, राज्यगत, देशगत और वैश्विक पागलपन भी होता है। इसमें बहुत से लोग हमेशा के लिए पागल हो जाते हैं या मर जाते हैं। लगता है कि आने वाले युद्ध तोपों या टैंकों से नहीं बल्कि जैविक हथियारों, बायोलॉजिकल वेपन से लड़े जाएंगे, जो व्यापक बर्बादी के कारण बनेंगे। हर समस्या नादान के लिए डर और ज्ञानी के लिए एक अपूर्व अनूठा अवसर होती है। महामंदी में अपना पैसा परोपकार में इन्वेस्ट कीजिए, जिसका चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिल सके। डर में रस लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आमतौर पर हर आदमी डर में रस लेता है। यदि ऐसा ना होता तो लोग हॉरर मूवीज, भूतहा फिल्में देखने क्यों जाते। यह एक ऐसा सामूहिक पागलपन है जो अखबारों और टीवी चैनलों द्वारा परोसा जा रहा है। टीवी पर व्यापक जनहानि की खबरें सुनना या ऐसी खबरें ज्यादा समय तक पढ़ना बंद कर दें। ऐसी वीडियो या न्यूज मत देखिए जिससे भीतर डर पैदा हो। महामारी के बारे में बड़ी चढ़ी बातें बनाना करना बंद कर दीजिए। डर एक तरह का आत्म सम्मोहन ही है। एक ही तरह के विचार को बार बार सोचने से, थिंक ओवर करने से शरीर में रासायनिक बदलाव, केमिकल चेंज होने लगता है, जो कभी कभी जीवन लेवा भी बन सकता है। प्रभु भजन, मंत्र पाठ, भक्ति से आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव ऑरा, रक्षात्मक आभा मंडल बन जाता है, जो बाहर की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी को आपके भीतर कदापि प्रवेश नहीं करने देता। अभी पूरी दुनिया की ऊर्जा नकारात्मक हो चुकी है। ऐसे में आप कभी भी डिप्रेशन, अवसाद के ब्लैक होल में गिर सकते हैं। ध्यान की नौका में बैठकर ही आप इस झंझावात से बच सकते हैं। स्वाध्याय अर्थात अपनी आत्मा या किसी प्रेरक ग्रंथ,
पुस्तक का अध्ययन करें, साधना कीजिए, आहार का विशेष रूप से ध्यान रखें, सात्विक आहार करें, गर्म पानी का सेवन करें, भारतीय मसालों का सीमित मात्रा में प्रयोग और सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाएगा। धीरज रखिए, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जिंदगी की गाड़ी अपनी पटरी पर लौट आएगी और पूर्ववत अपनी गति से चलना भी प्रारंभ कर देगी। श्रीमद् भगवद गीता की भाषा में अपरिहार्य अर्थे अस्मिन् किं त्वं शोचितुम् अर्हसि, जिसे टालना संभव नहीं उस पर शोक करना उचित नहीं है। अपरिहार्य इनएविटेबल से डरने का कोई मतलब कोई अर्थ नहीं है। डर ही एक तरह की मूढ़ता पागलपन है। समझदार ज्ञानी इंसान की तरह जिए। भगवान महावीर ने कहा, छन्नो कालो न दिस्सति, काल ढका हुआ है जिस कारण वह दिखाई नहीं देता। अपने परिवार समाज तथा देश हित में सभी देशवासियों को निष्ठा और गंभीरता पूर्वक लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करना है। भगवान महावीर के अमृत वचनों में अतीतम नानु सोचन्ति नप जपन्ति नागतम पच्चुपन्नेन यापेन्ति तेन वन्नो पसीदति, बीते हुए का शोक नहीं करते, आने वाले भविष्य के मंसूबे नहीं बांधते, मौजूदा में वर्तमान में जो कुछ उपलब्ध है उसी से गुजारा करते हैं और इसी से समझदार व्यक्ति का चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता है। विशेष रूप से डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस कर्मी और सफाई सेवक सभी इस घड़ी में सम्माननीय और आदरणीय हैं। लॉकडाउन के नियमों, प्रावधानों, गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस का पूर्णतया कंप्लीट डिवोशन और डेडिकेशन से पालन करें। कोरोना के इस पूरे माहौल को करुणा के माहौल में बदल दें। कोरोना जरूर भागेगा, देश जीतेगा, मानवता जीतेगी, मानवता मुस्कुराएगी। जय महावीर, जय माँ भारती। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.